हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कंपनी का वन डे का चार्ट है और करेंटली जो रेजिस्टेंस है मेजर वो 1184 के आसपास, और अगर उसे तोड़ दे 1246 के आसपास, और जो करेंट सपोर्ट मिल रहा है 1050 के आसपास, और उसे अगर तोड़ दे तो 953 के आसपास ये इसका मेजर सपोर्ट बन रहा है। तो करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 31 मई को मैंने कंपनी के शेयर को आप लोगों को रिकमेंड किया था और तब मैंने ये भी बोल दिया था कि कंपनी का सपोर्ट कहाँ होने वाला है, यानी आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है। और उसके साथ मैंने ये भी बताया था कि कंपनी का शेयर प्राइस अगर हाई वॉल्यूम या एक बड़ा कैंडल क्रिएट करके किसी भी एक रेजिस्टेंस से गिरे तो तब आपको कंपनी के शेयर को होल्ड नहीं करना है, और अगर कंपनी का जो यानी मेटल सेक्टर का अगर प्राइस गिरे तो तब भी कंपनी के शेयर को आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस मेटल सेक्टर को रेप्लिकेट भी करता है। तो इसके हिसाब से आप लोगों का जो मेजर सेल सिग्नल बन रहा था वो 1162-65 के आसपास 15 मिनट्स के चार्ट में, और अगर वन डे के चार्ट में अगर आप देखें तो 1140 के आसपास आप लोगों का सेल सिग्नल बन रहा था। तो यहाँ पे अगर आप निकल गए थे तो आप लोगों के लिए अच्छा है, अगर आप निकल नहीं पाए तो करेंटली मैं एज्यूम करता हूँ आप लोग एक लॉस में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश किए थे मगर एक दिन में सारे स्टॉक को कवर कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसकी वजह से हम लोगों ने नया टेलीग्राम चैनल को ओपन किया है जहाँ पे हम लोग क्विकली जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन भी बहुत सारा एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, जैसे कि बिटनिया, टाटा पावर, रिपको होम के बारे में, और उसके जो चार्ट पैटर्न है या चार्ट एनालिसिस है उसका भी डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिंक को, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या आप सिंपली जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए सर्वेंट अपडेट करके, यहाँ पे देखिए जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही लोगो आपको दिखाई देगा, तो उस चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। रोज ही हम लोग ऐसे टाइप का एनालिसिस डालते रहेंगे जिसके अंदर करेंटली पोटेंशियल है या सेल करना है या बाय करना है जिस स्टॉक को, उसके साथ उसका एनालिसिस भी। तो अभी जो मुद्दा मामला है करंट चार्ट प्राइस के हिसाब से या चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को क्या हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। देखिए कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे देखिए एक मेजर सपोर्ट से बैक कर रहा है, मगर ओवरऑल निफ्टी का या आप निफ्टी मेटल का यहाँ पे शेयर प्राइस या प्राइस चार्ट को देखें तो यहाँ पे देखिए ये एक करेक्शन फेज में है, क्योंकि कई दिनों से एक अच्छा खासा रैली दे रहा है निफ्टी मेटल, और निफ्टी 50 भी एक अच्छा खासा रैली दे रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्शन फेज चल रहा है अभी, मैं बोलूंगा इस करेक्शन के फेज में आप यहाँ पे शेयर को मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं और फर्दर 1050 के लेवल को ये तोड़ता है तो 950 के आसपास भी जा सकता है, और अगर 950 के लेवल को तोड़ दे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेयरिश फेज में भी जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है टाटा स्टील के वीडियो में, एक साइक्लिकल कंपनी है। देखिए जब मार्केट बूम के सिचुएशन में होता है तो यहाँ पे देखिए शेयर का प्राइस बढ़ता है, मगर उसके बाद जब ओवरऑल इकोनॉमी में रेपो रेट बढ़ जाता है और इकोनॉमी या गवर्नमेंट अपना टाइट जो मॉनिटरी पॉलिसी है या फिस्कल पॉलिसी है वो डिक्लेयर करता है, तब कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ये देखिए यहाँ पे बेयरिश फेज भी दिखाता है। तो कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी टाइम से एक अच्छा रैली दिया है और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो फर्दर हम लोग खरीदेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का जो अच्छा सिग्नल है वो हम लोग मानेंगे 1246 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करे तो ही। तो यहाँ पे हम लोग करेंटली आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पे करेंटली आप खरीदने की कोशिश मत कीजिए, हालांकि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट हो या थोड़ा प्राइस ऊपर जाए, मगर जब तक 1246 के ऊपर जाके ये सस्टेन नहीं कर जाता या 1250 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर जाता तब तक आप कंपनी के शेयर को खरीदिए मत, फ्रेश बाई यहाँ पे मत बनाइए। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे निकल नहीं पाए हैं, अगर आपके पास शेयर है स्विंग ट्रेडर वाले, तो यहाँ पे आप करेंटली होल्ड करेंगे और 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
1087 के लेवल को अगर ये तोड़ के नीचे जाके क्लोज करता है 15 मिनट्स के चार्ट में, तो तभी आप इस शेयर को आज सेल करेंगे, या अगले दिन अगर ये करता है तो ही आप सेल करेंगे। और अगर यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1100 के आसपास से, तो यहाँ से अगर रिट्रेस करने की कोशिश भी करे तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं पार्शियल, माने आपका हाफ जो पोजीशन है वो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो फर्दर रेजिस्टेंस है 15 मिनट्स के चार्ट में 1130 के आसपास, और यहाँ से आप देख सकते हैं 1104 के इस लेवल से, यानी रेजिस्टेंस के लेवल से ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो आप हो सकता है तो यहाँ पे पार्शियल बुक भी कर सकते हैं। मगर ये जो बीच का पीरियड है ये एक कंसोलिडेशन फेज है, ये 15 मिनट का एक चार्ट है। अगर आप वन डे के चार्ट में देखें तो हो सकता है आपको लगे कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिल रहा है, मगर ये एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी करेक्शन के फेज में है और निफ्टी मेटल जो है वो करेक्शन के फेज में है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करें तो डाउ जोन्स आप देखिए, या आप करेंसी मार्केट में यूएस डॉलर को देखिए, यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, डाउ जोन्स में भी फॉल देखने को मिल रहा है, नैस्डैक में भी फॉल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो अभी पैनिक है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, आप वेट एंड वॉच कीजिए सिंपली। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 950 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल को तोड़ देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेयरिश फेज में भी जा सकता है, तो आप सिंपली होल्ड कीजिए, एक मेजर सिग्नल को मिलने तक आप सिंपली होल्ड कर सकते हैं, और अगर फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश करे तो भी अच्छा है, और अगर आप यहाँ पे पार्शियल बुक भी करना चाहे तो भी आप बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नया अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। उसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस या जो एनालिसिस है वो हम लोग वहां पे भी डालेंगे। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, या अगले आने वाले टाइम पे आप किसी नए टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।